खुदावंद यीशु मसीह की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट कुलसुम इमैनुएल और आप देख रहे हैं बी द लाइट चैनल। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि हम एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं, उसमें हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और प्यारी फैमिलीज हमारे साथ शमूलियत अख्तियार करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बंधन प्रोग्राम की, जिसमें खुदा के कलाम के मुताबिक हम बातों को शामिल करते हैं और खुदा के कलाम की आयात के ऊपर हमने इसकी बुनियाद रखी है, यानी जिसको खुदा ने जोड़ा उसको इंसान जुदा ना करे। आइए हम अपनी इस खूबसूरत तरीन फैमिली से मिलते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर शहबाज विक्टर साहब और मिसेस फरजाना विक्टर साहिबा। खुश आमदीद सर, खुश आमदीद मैम। सर, इट्स प्लेयर फॉर अस एज वेल, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं, और हमारी टीम के लिए भी नाज़रीन ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम इनके साथ हैं और ऐसे खूबसूरत जोड़े काफ़ी अरसे के बाद मिलते हैं। आई एम रियली टेलिंग यू। सो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो आपकी शादी थी, क्या ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? ये इनफैक्ट इट वाज लव मैरिज। ओके। और बाद में तो ये अरेंज मैरिज हो गई। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। क्योंकि लव मैरिज से पहले, मैरिज से पहले, अरेंज मैरिज से पहले थोड़ी सी जो होती हैं बातें, थोड़ी सी मुखालफत सहनी पड़ी। सही। और फिर उसके बाद जब दोनों तरफ के जो बुजुर्गान थे उन्होंने कहा ये नहीं मानेंगे, तो उन्होंने कहा चलो फिर अरेंज कर ही दो। सही। तो ये तो बेनिफिशियल हो गई बात। यस, सही। गॉड के वो फिर ऐसा बंधन हुआ कि तकरीबन 33 इयर्स हो गए हमें इस बंधन में, और खुदा का बड़ा शुक्र है। खुदा का शुक्र है, जबरदस्त। और नाज़रीन, बड़ा खूबसूरती से इन्होंने जवाब दिया। मेरा अगला सवाल यही था कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है, और इन्होंने बताया कि खुदा के फजल से 33 बरस से ये खुदावन में वफादार रहते हुए एक दूसरे के साथ वफादार हैं। इट्स वंडरफुल टाइम। और मैम, कैसा लगता है आपको सर विक्टर के साथ जब आपने 33 बरस गुजारे, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे बहुत खूबसूरत साथी दिया है। खुदा का शुक्र। मैं इसके लिए खुदा बाप का शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत अच्छा साथी दिया और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। खुदा का शुक्र, प्रेज द लॉर्ड। और नाजरीन, एक खूबसूरत सवाल कि जब ये शादीशुदा हैं तो इन, क्योंकि मैं फैमिली से पर्सनली वाकिफ हूँ, तो आइए हम इनके बच्चों की भी बात करते हैं। सर, आपके कितने बच्चे हैं? मैं खुदावन का बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि उसने हमें 3 बेटे दिए। सही। और फरमाबरदार बेटे हैं, खुदा का शुक्र है। और एक चीज की हमारे पास कमी रही और वो है बेटी। सही। और खुदा ने हमें 2 बेटियां भी दी, खुदा का शुक्र है, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी भी आने की तैयारी भी हो गई है यकीनन। सही बात कर रहा हूँ। सही। इशबान को आप जानती हैं? जी जी। उसकी शादी में आप आने वाली? जी सही। वो बेटी हमारे पास आ गई। ठीक है। ऐशर को आप जानती हैं? जी जी। बेटे को? जी। वो ऑलरेडी 2018 में, बिल्कुल सही, सही। तो 2 बेटियां हमारे पास आ गई हैं, बिल्कुल ठीक, सही। और हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी बेटी भी खुदा ने चाहा तो जल्दी आने वाली है। मैम, बतौर माँ होते हुए कभी आपको बेटी की जरूरत महसूस हुई? क्योंकि माएँ, वैसे तो बाप भी बेटियों को, बेटियों की बड़ी जो है वो जरूरत महसूस करते हैं और माएँ भी करती हैं, क्या आपने कभी बेटी की कमी महसूस की? हाँ, ये आपने सवाल बड़ा अच्छा मुझसे पूछा है, और मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जब मैं बीमार होती हूँ तो वैसे तो खुदावंद का शुक्र है कि मेरे शौहर मेरा बहुत साथ देते हैं, मुझे फील नहीं होने देते, मेरी बहुत हेल्प करते हैं बीमारी की हालत में भी, लेकिन फिर भी मैं महसूस करती हूँ कि बेटी का होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और खुदा का शुक्र है कि आने वाली मेरी बेटियां ही हैं, मेरे को बेटियां ही जानती हैं। बिल्कुल सही। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे बेटियां भी दे दी। सर, आपको कभी बेटी की कमी महसूस होती थी? जैसे कि मैम ने कहा कि उनको तो बहुत शिद्दत से कमी महसूस होती थी। होती थी? नहीं, स्टिल होती है। होती है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है। और बहुत होती है कमी महसूस बेटी की। देखिए, जब हमने
निकाह के टाइम पर खुदा के घर में एक कमिटमेंट की कि हम एक दूसरे के दुख दर्द में और हर तरह से एक दूसरे का साथ देंगे, और खुदा का शुक्र है कि हम दे रहे हैं। तो जो बेटी की कमी है ना, मैं उसे ही पूरा कर रहा हूँ, मुझे करना पड़ता है। सही, ऐसा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही। और नाज़रीन, ये बहुत ही खूबसूरत सर ने एक स्टेटमेंट दी है कि जब मियां बीवी आपस में जुड़ते हैं तो जो भी कमी उनके रिश्ते में होती है, चाहे किसी भी, उनके रिश्ते में नहीं लेकिन उनकी ज़िंदगी में, वो उसको हर तरह से पूरा करने की अहलियत रखते हैं, और फजल खुदा हमें उस चीज़ के लिए देता है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये आपने बहुत खूबसूरत बात की। सर, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, और वो ये है कि आप दोनों की एज में कितना फर्क है, क्या कुछ फर्क है, या जस्ट वी आर गेसिंग अबाउट दैट, और लेट्स सी व्हाट इज आंसर। मैं, हमारी एज में बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, इट्स अबाउट 14 years। 14 years, वाओ। मैं बड़ा हूँ। ओके, और ये मुझसे तकरीबन 14 साल छोटी है। सही। और आप मैम 14 बरस बड़े हैं सर आपसे, तो मोहब्बत में कितना फर्क है, केयर में कितना फर्क है, सिंसेरिटी में कितना फर्क है, क्या कुछ फर्क आपको महसूस होता है? कोई फर्क नहीं है, वो मेरी हर तरह से केयर करते हैं और हर तरह से मोहब्बत देने की कोशिश करते नहीं बल्कि करते हैं, तो मैं इनसे बहुत खुश हूँ। और मैं अक्सर ये तजर्बा लोगों को भी बताती हूँ कि बड़े एज वाले जो होते हैं वो ज्यादा मुनासिब होते हैं, केयरिंग होते हैं ना, केयरिंग। सही। और नाज़रीन, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारे दिल में किसी के लिए रिस्पेक्ट है तो मोहब्बत खुद ब खुद बढ़ जाती है। मोहब्बत का मोहब्बत बाद में लफ्ज आता है, पहले रिस्पेक्ट आती है, और जब रिस्पेक्ट होती है तो मोहब्बत खुद ब खुद डिवेलप होती है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और हमारे खुदावंद ने भी कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, और खुदा के कलाम में हम ऐसी बहुत सारी बातों को देखते और पढ़ते हैं। एंड व्यूअर्स, नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन। Actually, it's a very bad question, but फिर भी हम पूछेंगे जरूर। तो सर और मैम दोनों से बयाक वक्त ये सवाल पूछा जाता है कि आप दोनों में से कौन सबसे ज्यादा गुस्सा करता है। इकट्ठा जवाब दें या इकट्ठा एक आवाज में? नहीं नहीं, बारी 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 जी, चले पहले इनकी बारी। जी मैम, क्या सर ज्यादा गुस्सा करते हैं या आप ज्यादा गुस्सा करते हैं? मैं ज्यादा गुस्सा करती हूँ। अच्छा, और फिर हम दोनों थोड़ी देर का गुस्सा आता है, इतना लंबा नहीं होता कि मुझे घर जाना पड़े। अच्छा। ऐसा गुस्सा नहीं है। सही। बस ये अगर कमरे तक गुस्सा तो यही करके। सही। मैं किचन में गई तो मेरा गुस्सा खत्म, और ऐसे ही हमारा चलता है इसी तरीके। सही। तो मैम ज्यादा गुस्सा करती है, और देखते हैं कि सर को फिर किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो सर आप खुद बनाते हैं, कौन बनाने में पहल करता है, आप खुद बनाते हैं या मैडम खुद ही? पता ही नहीं लगता। यानी आप इतने अच्छे तरीके से बनाते हैं, दैट्स वंडरफुल, कितने अच्छे तरीके से बनाते हैं पता ही नहीं चलता। हम जरूरत पर दोनों बोल लेते हैं आपस में, तो हमें महसूस ही नहीं होता कि हम गुस्से में, मतलब हमारा, मेरा मुझे जो गुस्सा आता है मैं आपसे सच बताता हूं, और मैंने चर्च में भी कई दफा बताया, मेरा मूड ऑफ होता है सुबह चर्च जाने से पहले। सही। मेरा मूड ऑफ होता है अपने बच्चों से, अगर कहीं हमको हम इनवाइट हैं, और बस वो जाने से पहले होता है मूड ऑफ, लेकिन जब हम गेट से बाहर निकलते हैं तो कुछ होता ही। सही। सब ठीक होता है। दरुस्त। और ये इतना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और ये खुदावंद का फजल है। मैं समझती हूँ व्यूअर्स की, अगर इनकी फैमिली के अंदर गुस्सा बस थोड़े वक्त के लिए है और जल्दी सब कुछ ठीक होता है, दैट इज़ वंडरफुल थिंग इन फैमिली, और ये एक ब्लेसिंग है, और हर जो बरकत है वो हमारे पास खुदा की तरफ से आती है, ये शुक्र है। और सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप ये बताइए, कभी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल फील हुआ कि मैम नाराज़ हो गई हैं और अब आपसे मना ही नहीं जा रहे, कभी ऐसा हुआ है? कोई कोई छोटा मोटा वाक्य? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। अच्छा, सच बात है? सच में मुझे कुछ याद नहीं। ठीक है। बेशक हमारी नाराजगी होती है, जैसे अभी हमने पहले आपने पूछा, हमने उसका बताया। सही। और क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की, बिल्कुल सच बात यह है कि हमारी अगर कभी नाराजगी होती है तो हमें पता ही नहीं होती,
यहाँ नाराजगी यहाँ खत्म। अच्छा जबरदस्त, बाहर जाती है ना गुस्सा बाहर जाते ही। ठीक है, तो हमारी नाराजगी नहीं होती है, बस इतनी सी होती है थोड़ी देर के लिए कि हम यहाँ हैं, यहाँ नाराज हैं, और उस सीट पर जब जाएंगे तो हम फिर राजी। खुदा का शुक्र है, वंडरफुल, खुदा का शुक्र है। अच्छा मैम, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जी, और वो थोड़ा डेंजरस है, खतरनाक किस्म का, और वो ये है कि सर की कोई एक ऐसी आदत बताइए जो आपको सख्त नापसंद हो, या इनकी कोई बुरी आदत या कोई खामी। नाज़रीन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इनकी लड़ाई करवाना चाह रहे, बस ऐसे कोई ऐसी बात कुछ तो होगा। बस इनकी आदत यही है कि सुबह उठ के जब बहुत चर्च के लिए शोर कर रहे थे तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मैं कहती हूँ बच्चे टाइम पे तैयार हो जाते हैं, फिर वैसे ही होता है, तो मैं कहती हूँ आप ऐसे ही बोल रहे हो तो देखो हम सब तैयार हो गए कहीं भी जाने के लिए, ये वक्त के बहुत पाबंद है। सही, तो ये इनकी अच्छी आदत है और हमें अच्छी आदत है, लेकिन मैम का ये मकसद है कहने का कि मतलब शोर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, शोर ज्यादा होता है, अभी काम भी वक्त पे हो जाता है, बस थोड़ा सा होता है कि आप ऐसे बोल रहे हैं गुस्सा कर रहे हैं, तो लेकिन इनका अपना गुस्सा सही भी होता है उस वक्त, हमें वक्त का आजकल कदर नहीं है, लेकिन हमें वक्त का ख्याल का कदर करनी चाहिए, बिल्कुल, जिससे हम हर काम जो आसानी से हो सकते हैं। नाज़रीन फैमिलीज के अंदर एक बंदा ऐसा लाजमी होना चाहिए जो हमें हमारी सफ़े दुरुस्त करने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर वो शोर नहीं मचाता तो फिर कोई भी काम ठीक भी नहीं हो पाता। ये एक बिल्कुल दुरुस्त बात है। सर मैम की आपको कोई खास ऐसी बात बुरी लगती हो जो आपको लगता है कि काश ये ना होती तो अच्छा? बताओ, जबरदस्त बात है। ऑन द कैमरा, यस ऑन द कैमरा, यस यस कैमरा जी। मैम ने एक आदत ये है जिससे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि अभी आदत है ठीक है। सही, मैम से मैंने कही है जरा किन्नू मुझे देना, मैम कहते नहीं, नहीं। अच्छा, तो इस नहीं का मतलब ये है कि वो देंगी। सही, मतलब पहले वो बोल देती है नहीं, लेकिन देंगी जरूर, देंगी जरूर। ठीक है, और मुझे खुदावंदी यसमसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात तमसील सुनाई थी, मुझे वो कॉन्टेक्स्ट में याद आ रही है कि दो बेटे होते हैं, एक पहले बाप को इनकार कर देता, और वो आपको शायद याद आई हो, लेकिन इस नहीं में भी फरमानबरदारी है कि आखिर उन्होंने अगर पहले नहीं बोला लेकिन उन्होंने फिर भी वो काम किया जरूर है, तो एक ये भी खूबसूरत ही बात है। लेकिन खूबसूरत बात एक्चुअली जो मैंने आपकी फैमिली में फिगर आउट की व्यूअर्स, वो ये थी कि इनकी बुरी बातें भी जो हैं वो उनको भी पॉजिटिव वेज में लेके जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात ही है। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सीमी इमैनुएल और आप देख रहे हैं बी द लाइट चैनल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन है कि क्या आप मुलाजमत करती हैं या सिर्फ सर जॉब करते हैं? सिर्फ सर जॉब करते हैं, मैं घर में रहती हूँ। अच्छा, तो सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आप घर के कामों में मैम की हेल्प करते हैं, या आप ये कहते हैं नहीं नहीं मैं जॉब करके आया हूँ मैं हेल्प नहीं कर सकता? अभी बात हो रही थी ना बेटियों की, सही, तो वो कमी मुझे पूरी करनी पड़ती है जॉब पे जाने से पहले भी और जॉब से आकर भी। सही, और मैं खुशी से हेल्प करनी पड़ती क्योंकि नहीं है। सही,
ठीक है, और यही हमारे खानदानों की खूबसूरती है कि मियाँ और बीवी हर एक चीज में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मैम एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नाज़रीन हम अक्सर इस टॉपिक पे हमने बड़ी खुशगवार सी रिकॉर्डिंग की है, और ये एक सीरियस क्वेश्चन है जो हमारे मुआशरे के लिए एक परेशानी बनता जा रहा है। हमारे यहाँ आजकल जोड़ों में, शादीशुदा जोड़ों में तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? तलाक के बारे में तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि हमारा कलाम इजाज़त नहीं देता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा था कि खुदा को भी बहुत गुस्सा आया था, और बल्कि खुदा तलाक को पसंद नहीं करता। हमारे इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें तलाक तक नौबत आनी ही नहीं चाहिए। तो जब हम खुदा के घर में एक वादा करते हैं कि हमें मियाँ बीवी को दुख दर्द में साथी होना चाहिए, तो फिर हमें हर सूरत में निभाना चाहिए। बिल्कुल सही। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग शादी के बाद अलग चले जाते हैं, हर किसी की अपनी चॉइस है। व्यूअर्स हम इनसे पूछते हैं, सर आपकी क्या राय है जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में? जब से मेरी शादी हुई तो हमने तकरीबन 20-22 साल जॉइंट फैमिली में ही गुजारे। सही, और ये भी एक बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि मेरी मिसेस की इनकी मेरे घर वालों के साथ, मेरी फैमिली के साथ मुझसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। जबरदस्त, मुझसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। ये कभी कभी ये है कि मेरी सजवात को भी गलत करके उनकी साइड ले। सही, ये है जबरदस्त। और अब 10 साल हो गए हमको इस घर में, 12 साल, तो यहाँ हम अपने प्राइस जो है वो हमने पूरे किए, यहाँ रहकर कुछ मजबूरियाँ थी, हम यहाँ आए, खुदा ने हमको ये घर दिया, और थैंक्स गॉड, खुदा का शुक्र है। मैम खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पत्रस रसूल के खत में ये मरकूम है कि ए बीवियों अपने शोहरों के ताबे रहो। आपने इस असूल को कितना अपनी जिंदगी में अपनाया है, और आप जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारी बहनों को, बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? ये आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि मैं सब बेटियों को यही कहती हूँ कि जब तंग हाली में आप अपने हस्बैंड का साथ दीजिए, ताकि वो किसी परेशानी में हो तो उन्हें हमारा ही साथ की जरूरत होती है, तो उस वक्त हमें ज़्यादा मोहब्बत और इखलाक से पेश आना चाहिए अपने घर वालों से, और खुसूसन अपने हस्बैंड से। ज़बरदस्त। सर जैसे खुदा ने बीवियों को शौहर के ताबे रहने के लिए कहा है, तो नाज़रीन बीवियों को भी कुछ हकूक है, और खुदा ने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किए। खुदा के कलाम में बीवियों के लिए भी लिखा गया है, शौहरों से मुखातिब, उनको शौहरों को मुखातिब किया गया है, और उसमें कहा गया है कि आप अपनी बीवियों से अपनी मानत प्यार करें। आप अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं, क्या अपनी मानत प्यार करते हैं, और आपका ख्याल है कि खुदा के कलाम के मुताबिक आप पूरा करते हैं? और दूसरी बात, हमारे जो भाई हैं, बेटे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सवाल बहुत अच्छा, जबरदस्त सवाल है। इस पर बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, अब शॉर्टकट, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। इसमें बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी साथी को, जो हमें खुदा ने दिया है, उसकी रिस्पेक्ट भी करें, उसका ख्याल भी रखें, और उससे अपनी माने मोहब्बत रखें। सही। और मैं अपने नौजवान बेटों से भी यही कहूँगा, तो फिर इसके इर्द हमें खुदा से जो बरकत मिलेगी वो हम नहीं जानते। बिल्कुल दुरुस्त। नाज़रीन बेटियों और बेटों के लिए, सबके लिए एक ही जैसी बात है कि मियाँ और बीवी को खुदा ने जोड़ा है, और वो अगर कामिल तौर पर खुदा की मोहब्बत में नहीं बढ़ेंगे, एक दूसरे से वफादार नहीं रहेंगे, तो सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है। और मुझे एक बहुत खूबसूरत आयत खुदा के कलाम में याद आ रही है, और वो पहला यूहन्ना में मरकूम है, और उसमें लिखा है कि कामिल मोहब्बत हर किस्म के खौफ को दूर कर देती है। कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, और ये बड़ी खूबसूरत बात है। और हम उसी वक्त कामिल मोहब्बत कर सकते हैं जब हमारी पहली मोहब्बत खुदावंद में हो,
और फिर उसके बाद हम उसी तरह से रिश्तों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपकी बड़ी खूबसूरत बात है। नाज़रीन, हमने अब तक की रिकॉर्डिंग बहुत खुशगवार माहौल में की और यकीनन आपको मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अब हमारा जो एक बहुत ही अहम और नाजुक सवाल है जो हम इन अपनी इस खूबसूरत फैमिली से पूछने जा रहे हैं, और वो ये सवाल है कि हम मुआशरे में बेटियों की तरबियत पर तो फोकस करते हैं, बेटी को यूं पहनना चाहिए, ऐसे बाहर जाना चाहिए, ये करना चाहिए, तालीम पर फोकस, क्या हम अपने बेटों की तालीम और तरबियत का ख़ास तौर पर एहतमाम कर रहे हैं? बेटों की तालीम और तरबियत कितनी अहम है, और हम बीइंग पेरेंट्स, बीइंग अ सोसाइटी, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? सर, यही मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बेटों की तरबियत कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्या मुआशरा उस तरह से बेटों की तरबियत पर फोकस कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो हमें क्या करना चाहिए? इनफैक्ट आज के दौर में बेटी से ज्यादा बेटे की तरबियत जरूरी है। सही, क्योंकि बेटी घर में रहती है दरुस्त और बेटा बाहर जाता है। सही, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा अगर बाहर गया तो हमें नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन हमें घर में बैठकर भी उस पर नजर रखनी है। सही, हमें ये देखना है कि वो किन दोस्तों में उठता बैठता है, उसकी सोसाइटी क्या है। तो फिर हमें अपने बच्चों को जो तरबियत है, स्पेशली मैंने जैसे बताया कि बेटी से ज्यादा बेटे की तरबियत की जरूरत है। सही, बेटी ने घर में रहना है दुरुस्त, और बेटे ने बाहर जाना है, और फिर वो बाहर जब जाए तो फिर ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए ठोकर का सबब बने किसी भी सूरत में। ठीक है, सही। सर, बेटे की अगर अच्छी तरबियत ना हो तो उससे क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? बेटे की अगर अच्छी तरबियत ना हो तो जी, बेटे की सारे मसाइल ही उसके लिए बेटे की। सही, क्योंकि फिर जब तरबियत ही उसकी ठीक नहीं है, उसको पता है कि मतलब बस मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तो बाहर जाकर वो कुछ भी कर सकता है, वो नशेबाजी में भी जा सकता है, वो और बुरी सोसाइटी, क्योंकि बाहर का माहौल तो बहुत ज्यादा खराब है आज के दौर में, बहुत ज्यादा खराब है। तो वो और ये माशा तो जल्दी हम बुरी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही, सही है, बस बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर विक्टर एंड मैम फरजाना, हमें आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, 33 बरस के निचोड़ से इन्होंने जो खूबसूरत बातें आज व्यूवर्स के साथ शेयर की, वो हमारे लिए सच में हमारे लिए बड़ी खुश आइंद बात है, और हमारे लिए बड़ा एक अच्छा असासा है। और खुदावंद आपको ज़िंदगी दे, और अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत है क्योंकि खुशियाँ भी शुरू ही हुई हैं, खुदा का शुक्र है। खुदावंद आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए बी द लाइट चैनल। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.